राजस्थान यूनिवर्सिटी में बुधवार को युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत यूनिवर्सिटी के गुलगीत से हुई, जिसके बाद समारोह के तहत अतिथियों ने छात्रों से सीधा संवाद किया और उनके सवालों का जवाब भी दिया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जाट महासभा अध्यक्ष राजाराम मील, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव, शोध प्रतिनिधि राम सिंह सामोता और DSW JP सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। वहीं समारोह में विश्वविद्यालय कुलपति की उपस्थिति नदारद रही। समारोह के बाद कार्यक्रम संयोजक राम सिंह सामोता ने शोध छात्रों की कुछ समस्याओं से उच्च शिक्षा मंत्री को अवगत कराया और उन्हें दूर करने की मांग की। 252 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें पढ़ने वाली बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने जब हमारा बजट पेश किया गया था उस समय घोषणा कर दी है, और जो 2019 का जो शैक्षणिक सत्र होगा उसमें निश्चित रूप से बालिकाओं को, जो गवर्नमेंट कॉलेज की बालिकाएं हैं, हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा भी देना चाहते हैं, सरकार हमारे जन घोषणा पत्र में भी है, तो करीब 2,05,000 बालिकाएं हैं जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी पढ़ रही है, तो उन बालिकाओं को इससे जो निःशुल्क शिक्षा बालिका की का जो कानून जो हमने विधानसभा के माध्यम से घोषणा की है, तो उससे निश्चित रूप से देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।